छोड़ के तो जो गवर्नमेंट का डिसीजन है जीटीए सभा के लिए इलेक्शन नोटिफिकेशन हो रहा है 27 तारीख को 27 में और 26 जून को इलेक्शन होगा जीटीए सभा के लिए 45 कॉन्स्टिट्यूएंसी है सब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए होगा उसके लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन 27 को हो रहा है उसके साथ साथ हमारे जो 3 आरओ नियुक्त किया गया है एसडीओ कर्सियंग एसडीओ दार्जिलिंग एसडीओ कालिम्पोंग वो लोग भी पब्लिक नोटिस उसी दिन ही देंगे 27 तारीख को 11 बजे तो उसी दिन से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा 7 दिन तक नॉमिनेशन चलेगा उसका बाद स्क्रूटिनी है उसके बाद 2 दिन का रहेगा विड्रॉल देन 26 को इलेक्शन 29 को काउंटिंग ये है इलेक्शन शेड्यूल 27 को नोटिफिकेशन हो रहा है यही सब पॉलिटिकल पार्टीज को बोल दिया गया है शांति से वोट हो यहाँ पर होता भी है ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है वही हम लोग ने कोऑपरेशन मांगा है सब पॉलिटिकल पार्टी से और सब एग्री किए हैं फोर्स कितना है फोर्स अरे पुलिस फोर्स जो है बिल्कुल है बढ़िया है कुछ बाहर से नहीं आएंगे नहीं जनरली ये सब बोर्ड में नहीं आता है पंचायत बोर्ड जैसा तो स्टेट गवर्नमेंट का जितना फोर्स हमारे दार्जिलिंग में है कालिम्पोंग में है सो सफिशियंट है जरूरत होगा तो एसपी भी दोनों थे अगर जरूरत होगा तो बाहर से फोर्स आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सरसाइज मेड बाय द एसपी ऐसे सेंसिटिव जैसे आई थिंक इसी का जैसा है सर वही रहेगा एज पर रूल में जो है एज पर रूल वो उसमें हम कराएंगे राइट थैंक यू सर